सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे सारे फोर्टनाइट स्ट्रीमर्स और उनकी रैंकिंग्स के बारे में। तो इसमें सब नहीं है, आगे और पार्ट चाहिए। उनमें है जी का डेको, निक मर्स और डॉक्टर लूपो, बाकी सब हुए। तो पहले टिंडर टैटमैन। टिंडर टैटमैन बहुत दिनों से फोर्टनाइट खेल नहीं रहा था, और वैसे भी लोगों से बहुत लोग एक्चुअली उसे सब निंजा के चक्कर में जानते हैं, बट तभी पहले उसका कंटेंट बहुत अच्छा था। वो डेली अपलोड करता था और वो बहुत अच्छा प्लेयर भी था। वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स में कमेंट्री भी कर चुका है, तो ही डिजर्व्स द बी प्लस। बट शायद सी उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आई थिंक 3 महीने से खेल नहीं रहा है, और अभी भी ज़्यादा खेल नहीं रहा है, और उसकी अपलोड ज़्यादा अच्छी है नहीं, अपलोड ट्रैक अभी अच्छे है नहीं, तो सॉरी। बट सी भी अच्छा है, जब तक तुम इन चारों में ठीक है, फिर नहीं तो तुम इस ब्लैक होल में हो। नेक्स्ट आलिए हमेशा से एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर रहा है। उसकी वीडियोस हमेशा इंटरेस्टिंग रहती थी, बट इतनी नहीं कि वो एस पे रहे। उसकी वीडियोस इंटरेस्टिंग रहती है और वो अपलोड भी अच्छे करता है, तो मैं आई थिंक उसे डी पोजीशन दे सकता हूँ। नेक्स्ट टीफू। टीफू तो टीफू भी बहुत दिनों से खेल नहीं रहा है, तो हम एक्जेक्टली इन दो पोजीशंस पे नहीं रखेंगे, एस और ए। बट जब वो आया तो वो सीधे एक टूर्नामेंट जीत गया, और वो एक बहुत बड़ी बात है, वो वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई किया था। तो आई थिंक उसे सी पोजीशन तो मिलनी चाहिए, वो ब्लैक होल में नहीं जा सकता। मैं उसे बी दे सकता हूँ, चलिए मैं उसे बी दे सकता हूँ, मैं उसे बी देता हूँ, मैं उसे बी में भेज रहा हूँ, सी पे नहीं, बी पे। नेक्स्ट फियरलेस। फियरलेस हमेशा से मेरा एक फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है। उसकी वीडियोस बहुत ही फनी और मज़ेदार होती है, उसके व्यूज़ भी अच्छे हैं। बस उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो अपलोड ज़्यादा अच्छी तरह नहीं करता, मतलब एक महीने में एक बार भी नहीं, सीधे 11 महीने में। उसने लास्ट अपलोड पहले इस साल की पहली अपलोड और इस साल की लास्ट फोर्टनाइट अपलोड, दोनों में 11 महीने हैं, और उसके बीच में कोई अपलोड नहीं आई। तो हम उसे तब भी ए पे रखना चाहेंगे, क्योंकि उसकी कंटेंट अच्छा है, वो भी बैकअप कर रहा है और उसके व्यूज भी अच्छे ही है। लैकलन, जिसको अभी अपनी आइकॉन सीरीज के मिली है, जो मेरे पास इसकी फोटो मेरे पास है अभी, वो एक्चुअली एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। ही डिजर्व्स ए टू ए या फिर बी प्लेस, एस नहीं बट ए या बी प्लेस। उसकी अपलोड भी अच्छी है, बट मुझे नहीं लगता वो फियरलेस जितना ए पे रह सकता है या फिर एस पे रहना चाहिए। आई थिंक वो बी डिजर्व करता है, बट बी इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट करेज। मैंने डॉक्टर लूपो को इस वाले में इसलिए नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर लूपो अगर इसमें आ रहा था तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसमें मोस्टली निंजा के दोस्त या फिर निंजा के साथ जो खेलते हैं वो लोग हैं, क्योंकि इसमें करेज भी है, टिंडर टैटमैन भी है, निंजा भी है, साइफर भी है। इसलिए मैंने एक निंजा के दोस्त को अगले से रखा हुआ है। करेज। करेज का भी हाल टिंडर टैटमैन के साथ जैसा ही है, वो भी बहुत दिनों से खेला नहीं और मोस्टली लोग उसे निंजा की वजह से ही जानते हैं, बट पहले के समय वो बहुत अच्छा प्लेयर था, तो एक्चुअली उसे ब्लैक होल की जगह हम सी पे फेंक सी में रख सकते हैं। लेजर 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 भी वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल पिक्चर,
मजाक कर रहा हूँ. ओके तो लेज़र बीम की एक्चुअली मैं बी पे रख सकता हूँ क्योंकि लेज़र बीम का कंटेंट अच्छा है और वो अच्छी अपलोड भी अच्छे खासे एक हफ्ते में एक दो बार एक हफ्ते में अच्छे खास अपलोड करता है वो. तो मैं उसे मतलब उसकी अपलोडिंग को और उसके पॉइंट्स मिला और उसके कंटेंट के पॉइंट्स मिला दिए तो मैं उसे ए या बी में रख सकता हूँ. बट मेरे हिसाब से वो बी पे रहेगा और एक्चुअली मैं लैकलिन को शिफ्ट कर देता हूँ. हाँ मैं लैकलिन को शिफ्ट करूँगा ए पे. उसके आइकॉन सीरीज के ना उसके थोड़े ज़्यादा अच्छे कॉन्टेंट मतलब ऑफकोर्स अब बहुत लेज़र बीम फैंस कहेंगे कि लेज़र बीम अच्छा है ज़्यादा अच्छा है. मैं मानता हूँ कि लेज़र बीम भी अच्छा है मतलब लैकलिन और लेज़र बीम दोनों अच्छे हैं. बट आई थिंक सो लैकलिन के पास एक आइकॉन सीरीज स्किन है जो ज़्यादा मायने करती है अभी और उसका कॉन्टेंट भी लेज़र बीम जैसे ही अच्छा है. नेक्स्ट द ब्लू हेयर्ड निंजा. अगर आपने ब्लू हेयर्ड निंजा वाला डायलॉग कहीं सुना है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में बता देना. निंजा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्टनाइट प्लेयर्स अभी का मतलब मोस्ट फेमस फोर्टनाइट प्लेयर्स और ही डिजर्व मतलब ऐसी भी उसकी ऐसी भी तो मिलेगी. बट उसे उसने 2 महीने तक फोर्टनाइट खेला नहीं 2 या 1 महीने तक और अभी भी वो ज़्यादा प्रूव नहीं करता. बट एक हफ्ते में 3 लाइव स्ट्रीम्स ट्विच में काफ़ी है और वो 3-4 वीडियो निकालता है एक हफ्ते में कम से कम फोर्टनाइट की. और उसके साइफर पीके के साथ जो वीडियोस बनाई थी उसने वो बहुत अच्छी थी. तो एक्चुअली मैं लैकलिन के साइड में निंजा को रख सकता हूँ. हाँ क्योंकि निंजा के जो जोक्स होते हैं जैसे मैंने एक लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें निंजा किसी को मारने के बाद एक घर के दरवाजे के सामने ऐसे ऐसे मतलब मजाक में बहुत फनी चीज़ें बोलता है जो एक्चुअली उसके फैंस को बहुत पसंद है. सो ही इज़ वेरी फनी और इसलिए वो ए पोजिशन तो डिजर्व करता ही है क्योंकि वो पहले के जमाने का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था. मैं बूगा को भी अगले वाले में ले आऊँगा. बूगा और मॉन्ग्रेल क्लिक सबको बेंजी खुशी बट अभी नहीं वो तो अगले में आएगा और वो अगला वाला एक हफ्ते बाद आएगा. हर एक हफ्ते एक वीडियो आएगी इसकी. टॉप 5 गेमिंग का कॉन्टेंट अच्छा है अपलोड अच्छी है. He is one of my favorite content creator after Fearless. उसकी content बहुत अच्छा है बहुत अच्छी videos बनाता है बहुत funny videos बनाता है बहुत अच्छी content और उसकी uploading वो upload भी अच्छा खासा एक हफ्ते में कम से कम 4 बार करता है. I think उसे मैं S पे रख सकता हूँ. ना मैंने एक्चुअली सारे अच्छे content मैंने S वालों को एक्चुअली थोड़े से आखिर तक रखा क्योंकि उसी में मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं आखिर तक इस वाले में रहूँगा. साइफर पी के तो अब सुन ही लिया है कि वो एस पे ही रहेगा. तो साइफर पी के भी अपलोड्स अच्छे और कंटेंट और अच्छा. और अगर आपको एक वीडियो कम लग रही है तो चिंता मत करो वो उसके पास एक दूसरा चैनल भी है मोर साइफर पी के वो उसमें भी वैसी वीडियो निकालता है जैसे साइफर पी के में निकालता है. और अगर वो भी कम लग रही है तो आप उसकी ट्विच की लाइव स्ट्रीम भी दे सकते हो है ना. आई थिंक साइफर पी के इस डिजर्व करता है. मैं इन दोनों को छोड़ रही हूँ. हाँ अब ठीक है. तो एक्चुअली कोई भी किसी को भी मैंने ब्लैकबोर्ड में नहीं फेंका है. कोई भी इतना वैसा स्ट्रीमर नहीं है. और ये अगर आपको ऐसे लग रहा है कि टिंडर टैटमैन और करेज को गंदी पोजीशन पर मिली है तो नहीं. अगर आप सी या एस ए बी सी पे हो तो ये अच्छी पोजीशन ही है. इसे गंदा मत मानो. हाँ पर अगर डी ई एफ हो तो ये गंदा है. हाँ तो सी बी ए एस. तो कल शायद लाइव स्ट्रीम करूँगा तो वो देखना. सो बाय गाइस एंजॉय.